हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा हुई थी 2023 में, 7 जनवरी 2023 को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसकी आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये आपका जो सीईटी का जो पेपर हुआ था 7 जनवरी 2023 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसकी आंसर की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो देखेंगे। इसमें आपके चार पेपर हुए थे, चार शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो चारों ही शिफ्ट के पेपर आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। अपने ऐप के ऊपर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आंसर लगे हुए आपको जो पीडीएफ के रूप में ऐप से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपने सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए, जो आपका पेपर होने वाला है सितंबर में, इसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो पेपर बनने वाला है सीईटी 2024 का। नेगेटिव मार्किंग पहले थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है, तो अब आपको जो बिना नेगेटिव मार्किंग के 40% कम से कम रिज्यूम लाना ज़रूरी है, तभी इसमें पात्र होंगे। और SC ST जो कैटेगरी है उसके लिए 35% इसमें अनिवार्य किया गया है। तो अब इतनी सी तो तैयारी अगर आप करेंगे तो आराम से, पुराने पेपर भी अगर आप ढंग से करेंगे तो आपके जो 40 और 35% तो आप आराम से प्राप्त कर सकेंगे। तो पात्रता के लिए सीईटी पास होना ज़रूरी है, इसमें 40% और 35% का क्राइटेरिया रखा गया है। ये 7 जनवरी को पेपर हुआ था, इसमें आपके 150 क्वेश्चन है और 150 ही इसमें आपके 300 नंबर थे। ये एक क्वेश्चन दो नंबर का है, तो ये इसका जो पेपर कोड है 131A है। तो आइए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है, इनमें कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से, हरिमोहन माथुर करौली से, मथुरादास माथुर मारवाड़ से, और गोपीलाल यादव भरतपुर से। यानी कि ये जो कार्यकर्ता हैं वो इनके देसी राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो हरिमोहन माथुर हैं ये करौली के नहीं थे, ये बूंदी के थे। तो इसका जो उत्तर है वो अपने सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, हरिमोहन माथुर, ये इसका जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, 1937, 1928, 1938, 1942। तो इसका सही आंसर है 1928। अच्छा, इसके जो आंसर है बोर्ड के द्वारा, जो RSSB बोर्ड के द्वारा इसकी जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, उस फाइनल आंसर की के द्वारा जो ये 28 अप्रैल 2024 को फाइनल आंसर की आई थी, उसके आधार पर ये आपको सारे आंसर बताए जा रहे हैं। तो बोर्ड ने जिनके फाइनल आंसर माने हैं वही मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1928 में हुई थी, जबकि भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, भिवाड़ी में। कहाँ हुई थी ये, भिवाड़ी में हुई थी। भरतपुर के अलावा और 3 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना अपने स्थान से किसी अन्य स्थान से हुई है, उसमें भी 3 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। तो वो कौन कौन से प्रजामंडल हैं, आप अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉक मेसन, जनरल जो मेजर बर्टन, मेजर मॉरिसन और मेजर विलियम बेंटन ईडन। तो इसका जो सही आंसर है, जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो विलियम ईडन थे, करेक्ट आंसर होगा इसका ईडन। मारवाड़ के कौन थे, मॉक मेसन थे। बर्टन कौन कहाँ का था, ये बर्टन जो था वो कोटा का था, जबकि ये जो मॉरिसन जो था वो मॉरिसन ये भरतपुर का था। ठीक है, बर्टन कोटा का है और मॉक मेसन ये मारवाड़ का है। आउवा के किले पर इसको जो टांग दिया जाता है, और ये जो मेजर बर्टन है इसके सर को काट कर जो पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है, ये कोटा का था ये। और मॉरिसन जो था ये जसवंत सिंह के समय में भरतपुर का विलियम, जो जसवंत सिंह थे वहाँ के महाराजा, उस समय ये पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। नेक्स्ट है फिर आपकी, ये भारत में किस गवर्नर जनरल के दौर कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो। तो ये हिंदू पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये कब पारित किया गया था, तो ये जो पारित किया गया ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, जो कि 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ये किसके प्रयासों से हुआ था, तो ये ईश्वरचंद जो विद्यासागर थे उनके प्रयासों से ये इसको पारित करवाया गया था। नेक्स्ट है,
1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, अजमेर जो कि अजमेर में हटुंडी आश्रम जो कि गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी, हरूपा उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिकीलाल वर्मा। सही आंसर हो जाएगा इसका हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय जो है वो उस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी विधानसभा जो थी उसको धारासभा के नाम से जाना जाता है, और धारासभा के ये जो उस समय ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये हरिभाव उपाध्याय ये उस समय के जो हटुंडी है इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर या प्रताप? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके है प्रताप। तो प्रताप नामक समाचार जो है वो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये कानपुर से प्रकाशित हुआ करता था, और ये बिजुलिया जो किसान आंदोलन है ये भारत का जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था और अहिंसात्मक संगठनात्मक किसान आंदोलन था जो लगभग 44 वर्षों तक चला था। ये 1897 में शुरू होता है और 1941 तक ये किसान आंदोलन चलता है। वर्तमान में ये भीलवाड़ा ज़िले में पड़ता है बिजुलिया, और यहाँ पर धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक थे। तीन चरणों में ये जो किसान आंदोलन है वो संपन्न होता है। लागबाग जो है वो चोरी इसी प्रकार के इसमें बढ़ा दिए गए थे, इस कारण ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आठवां, अधोलिखित कथनों में सावधानी पूर्वक पढ़िए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितेशनी सभा की स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही बात है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितेशनी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज सुधार था, ये भी इसमें सही है। सभा का जो मुख्य उद्देश्य वो समाज सुधार था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, दोनों सही कथन है। नवा क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय अजमेर अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना है इसको किसने पराजित किया था? तो ये थे आवा के ठाकुर कुशाल सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की जो सेना थी उसको और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको 1857 की क्रांति में या इनको पराजित किया था। तो उसका उत्तर लिखेंगे अपन ठाकुर कुशाल सिंह। इसमें मेहराब खान और जयदयाल जो हैं ये कोटा के क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के समय कोटा के ये क्रांतिकारी थे, मेहराब खान और जयदयाल। नेक्स्ट है किन ठिकानों में से निम्न में से किस ठिकानों में से किसने जो चमरीकर लगाया था? तो चमरीकर जो लगाया था वो बिजुलिया किसान आंदोलन में लगाया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजुलिया जो ठाकुर थे वहाँ के उनके द्वारा पुत्री के विवाह पर 5 रुपये का जो टैक्स लगाया गया था, 5 रुपये का जो टैक्स लगाया गया था उसको चमरीकर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, महानसर प्रसिद्ध है, तो महानसर किसके लिए प्रसिद्ध है? महानसर जो कि झुंझुनू में है ये इसको सोने चंदी की हवेली के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 12वां क्वेश्चन, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो शिक्षा संत के रूप में जो स्वामी केशवानंद है इनका जो जन्म है वो मंगलूणा गाँव में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मंगलूणा गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा बाणासुर का शहीद किसको कहा जाता है, कमेंट करके आप बताना बाणासुर का शहीद किससे कहा जाता है? ये जो हरनावा गांव ये मारवाड़ के जो मीराबाई थी जिसको रानाबाई के नाम से जाना जाता है उनको उनका जो जन्म है वो हरनावा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल जो है ये जो लोक कला मर्मज्ञ है जो देवीलाल जी उनके द्वारा जो इसको स्थापित किया गया था और ये उदयपुर में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर। कठपुतली का जो कला है वो आपको यहाँ पे फेमस शो होता है, कठपुतली पॉपर शो यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा जो पशु मेला है वो किस स्थान पर आयोजित होता है? तो होता तो ये झालावाड़ ज़िले में, लेकिन उसके भी विशेष पर्टिकुलर स्थान पूछें तो ये झालावाड़ का जो झालरापाटन कस्बा है वहाँ पर होता है ये चंद्रभागा पशु मेला। झालरापाटन जो शहर है जिसको अपन घंटियों का शहर के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर इसका जो आयोजन किया जाता है। कार्तिक महीने में और भी पशु मेला का आयोजन होता है,
या दूसरे मेले जो है पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पुष्कर का जो मेला है बहुत ही फेमस है। इसके अलावा जो कोलायत वाला जो कपिल मुनि का मेला है वह भी आपकी कार्तिक पूर्णिमा को ही होता है। झालावाड़ जो है इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, सीताबाड़ी जो है वो आपके बारा जिले में पड़ती हैं, सहरिया जनजाति से संबंधित हैं, जबकि सीता माता जो है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। अभ्यारण्य है, 15वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये पहला जो स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था वो 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 अगस्त 1949 को ये चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है ये पहला स्मारक डाक टिकट इसी पर जारी किया गया था, 15 अगस्त 1949 को। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसके लोगों में इसको काम में लिया जाता है। RBSC का जो लोगो है इसमें आपको विजय स्तंभ दिखेगा, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है इसमें आपका विजय स्तंभ दिखेगा, इसके अलावा जो JK सीमेंट का लोगो है उसकी में भी आपको जो अपना विजय स्तंभ दिखेगा, और एक अभिनव भारत जो संस्था है उसके अंतर्गत भी अपना जो विजय स्तंभ है इस लोगो में दिखता है। तो ये चार प्रमुख संस्था हैं जिनके लोगों में ये विजय स्तंभ दिखाई देता है। विजय स्तंभ जो कि मालवा के विजय उपलक्ष में मेवाड़ की महाराणा कुंभा के द्वारा इसको बनवाया गया था, तो आपको याद रखना है ये विजय के स्तंभ में बनवाया गया, इसलिए इसको विक्ट्री टावर विजय स्तंभ कहा जाता है। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही एक और जैन स्तंभ है जिसको अपन जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं, ये 7 मंजिला ही है, जबकि जो विजय स्तंभ है वो अपना 9 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन ये कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शुक्र तालाब जो बनाया गया था वो नागौर दरबार लगाया गया था, उस समय की बात है ये, तो ये नागौर में ही स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके नागौर। नागौर दरबार कब लगा था? तो ये 1570 में लगा था। सबसे पहले जो अकबर की दीनता स्वीकार करने वाला जो राजपूत शासक था वो था जो जयपुर के शासक थे वो कछवा शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, अच्छा इसमें जो शेरगढ़ है वो शेरगढ़ अलग अलग जिलों में पड़ता है, अगर शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ किला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है, ये अलग अलग जिले में इनके स्थान हैं। गागरौन एक जलदुर्ग है जो कि आपके झालावाड़ जिले में आता है। सीवाना ये कुंवर दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, ये सीवाना ये बाड़मेर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है लोधरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोधरवा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लोधरवा जो कि जैसलमेर में पड़ता है, और लोधरवा की जो प्रसिद्ध राजकुमारी थी उसका नाम है मूमल। मूमल आपने दप्पू खान को सुना होगा, मूमल जो प्यारी प्यारी मूमल वाला जो गीत है वो उसी मूमल का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपके साहिबद्दीन जो चित्रकार है वो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबद्दीन और एक आता है साहिब राम, जो साहिब राम है वो आपके जयपुर के हैं, जबकि साहिबद्दीन मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह प्रथम थे उनके समय थे ये। तो 18वें का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राज सिंह है, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपके सी, मेवाड़ की जो महाराणा है जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम इनके समय में ही मेवाड़ की जो चित्रकला शैली इसका स्वर्णकाल माना जाता है, गोल्डन पीरियड जो है वो महाराणा जगत सिंह के टाइम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है फल्कूबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्कूबाई जो है वो किशनगढ़ की जो चरी नृत्यांगना है, फेमस चरी नृत्यांगना है ये फल्कूबाई, जो कि किशनगढ़ में ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसकी फेमस जो नृत्यांगना है वो फल्कूबाई है। बम्बई नृत्य बागाजी के द्वारा इसको प्रतिबद्ध किया गया था, और अजमेर के बागाजी जो जाखड़ है उनके द्वारा इसको लाया गया था। कालबेलिया ये अमूर्त श्रेणी में यूनेस्को की नृत्य इसमें शामिल किया गए हैं। 13ताली नृत्य ये लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, 13 मजीरे इसमें बांधे जाते हैं, और जो मांगी बाई है वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बैठ कर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है फिर आपके कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। देखो इसमें जो अलग है वो तीन तो इसमें फूंक मार कर बजाए जाते हैं, एक इसमें आपस में टकरा कर बजाया जाता है, तो इसमें जो खड़ताल जो है वो आपस में टकरा करने से आवाज़ उत्पन्न होती है, जबकि मशक ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक मार कर बजाया जाता है, अलगोजा भी आपके सुशीर वाद्य यंत्र हैं, और शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र हैं। इसमें से जो अलगोजा है ये अलगोजा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है, तो राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो अपना अलगोजा है। राज्य गीत केसरिया बालम पदावरण मारे देश, और राज्य खेल अपना बास्केटबॉल है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोहिड़ा है, राज्य पशु चिंकारा और ऊँट, अगर घरेलू इसमें पशुपालन की श्रेणी में आए तो आपके ऊँट होगा, और बाकी वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा।
राज्य गीत केसरिया बालम होंगे, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, ये आपको इसमें जो प्रतीक चिन्ह है वो अच्छे से याद कर लेना। बाकी शहनाई जो है, शहनाई बिस्मिल्ला खां, आपको पता ही होगा बिस्मिल्ला खां शहनाई के रूप में इनको फेम प्रसिद्धि प्राप्त हैं। अलगोजा, अलगोजा का जो जादूगर है वो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताता हूँ नाक से जो अलगोजा बजाते हैं वो, नाक से अलगोजा बजाने वाले जो रामनाथ चौधरी हैं अजमेर के, वो नाक से अलगोजा बजाने का कार्य करते हैं, कई बार इनका क्वेश्चन भी पहले भी आ रखा है। अच्छा, अलगोजा में छेद कितने होते हैं, ये पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसमें छेद कितने होते हैं, और उसमें चार भी ऑप्शन था और छः भी ऑप्शन था, और फिर इस क्वेश्चन को जो डिलीट कर दिया गया। अगर ऑथेंटिक जानकारी है आपके पास में तो कमेंट करके बताना कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसमें कितने छेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 21वां, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र के तहत प्रताप सिंह भारट को कारावास दिया गया, अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, उदयपुर षड्यंत्र और बनारस षड्यंत्र। ये उदयपुर और अलीपुर ये तो कोई षड्यंत्र है नहीं इसमें, लाहौर और बनारस, तो फेम जो षड्यंत्र है वो आपका इसमें उठ जाएगा आपके बनारस षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र, जिसके कारण जो इनको बेलूर जेल में इनको रखा गया था। ये वही प्रताप सिंह भारट है जिनके पिताजी का नाम केसर सिंह भारट और इनके चाचा यानी कि इनका जोरावर सिंह भारट था, राजस्थान का चंद्रशेखर जिनको कहा जाता है। और प्रताप सिंह भारट के पिताजी जो थे वो केसर सिंह भारट जो कि शाहपुरा के थे, और इन्होंने अपना पूरा जो परिवार है वो स्वतंत्रता के संग्राम में जो बलिदान दिया था, तो ये वो परिवार है जो कि शाहपुरा का जो भारट परिवार है, और इनके नाम से शाहपुरा में एक त्रिमूर्ति चौराहा भी बना हुआ है। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा ज़िले में पड़ता है, अभी वर्तमान में इसको नया जिला घोषित कर रखा है, नया जिला बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण मानव अंग सही सुमेलित नहीं है, सुरलिया कान में ही पहना जाता है, तिमणिया गले में ही पहना जाता है, तगड़ी ये कमर का ही आभूषण है, रमजोल, रमजोल ये कलाई का आभूषण नहीं होगी, ये पैर का आभूषण है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो सी है, रमजोल कलाई, ये असुमेलित हैं, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, श्रीधर अंगारे को किस चित्रशैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो श्रीधर अंगारे जो है वो ऑप्शन आपके सामने है किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा और उनियारा, तो इसमें से जो देवगढ़ चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो श्रीधर अंगारे को जाता है। इसमें आपको इसमें अजारा की ओवरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको अजारा की ओवरी आपके देवगढ़ से संबंधित है, और शाहपुरा जो है वो आपके भीलवाड़ा में आता है जो कि फर चित्रण के लिए फेमस है, और फुल लोल महोत्सव राम सैनी संप्रदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। किशनगढ़ की जो चित्रशैली वो बनी ठनी, और इसको फेमस करने का जो श्रेय है वो फयाज अली और डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है, जिन्होंने कि ब्यावर शहर बसाया था सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। उनियारा शैली जो कि टोंक में पड़ती हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, आपके कुल देवी है और इसमें जातियों का नाम दे रखा है, तो करणी माता, करणी माता सभी को पता है कि ये चारणों की कुल देवी, तो चारण जाति की कुल देवी हो जाएगी। सकराई माता ये खंडेल वालों की कुल देवी है। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है जिसके मंदिर से दीपक से केसर टपकता रहता है। और नारायणी माता जो है वो आपके नाई जाति की कुल देवी है। नारायणी माता जिनका जो मंदिर है वो अलवर जिले में पड़ता है, राजगढ़ अलवर बरवा डूंगरी पे, और यहाँ पर दो जातियों में जो इनके मंदिर में पूजा को लेकर जो विवाद है, यहाँ की जो पुजारी है वो दो जातियों के उनमें विवाद है, एक तो नाई जाति के पुजारी और एक मीणा जाति के, तो इनके बीच में जो ये विवाद कई बार इनका जो मामला है वो कोर्ट में भी गया है, तो ये यहाँ से संबंधित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। सकराई माता का जो मंदिर है वो आपके उदयपुर वाटी ये झुंझुनू में पड़ता है। ये आई माता बिलाड़ा में है और नारायणी माता अलवर में है। नेक्स्ट है फिर आपके बातारी फुलवारी जो है वो कितने खंडों में विभक्त हैं, तो बातारी जो फुलवारी है वो कितने खंडों में विभक्त है, इसका उत्तर होगा आपके 14। ये बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त हैं। अच्छा, बातारी फुलवारी लिखी किसके द्वारा गई थी, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, इनके जो लेखक हैं इनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और मदन मोहन जी का मंदिर करौली, इनका संप्रदाय जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है, तो ये जो करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है और जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है, ये दोनों ही मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं, दोनों ही गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। नाथ संप्रदाय के अपने राजस्थान में चार प्रमुख है जो इनकी शाखा हैं, पीठ हैं, जैसे राम सनी संप्रदाय की जो प्रधान शाखा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में रेण में है, खेड़ापामा है,
इस प्रकार से ये चार शाखाएँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर सिंह भारत ने चेतावनी या चुमटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो ऊपर हमने चर्चा की थी प्रताप सिंह भारत के साथ में, तो ये वही केसर सिंह भारत हैं जिन्होंने 1360 लिख करके जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय ये जो मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह थे वो जा रहे थे दिल्ली दरबार में, तो उनको रोकने के लिए 1300 दोहे लिख कर भेजे गए थे इनके द्वारा, चेतावनी या चुमटिया जिनको कहा जाता है, और ये जो लिखे गए थे वो केसर सिंह भारत के द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए ये दोहे लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके आता है क्वेश्चन नंबर 28। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जोधपुर का महामंदिर ये जो माननाथी जो संप्रदाय है उनका है, यहाँ के राजा हुए जोधपुर के मान सिंह जी, उनके समय ये बनाया था। आयस देवनाथ आपने नाम सुना होगा, ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, नाथ संप्रदाय। बडार क्या है? तो बडार एक भोज होती है विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भोज बडार है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का ये, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का ये, कोवलयमाला ये उद्योतन सूरी का ये, पृथ्वीराज विजय चंद्रभर दैनिक का न होकर ये जयानक भट्ट का है, जो कि कश्मीरी पंडित थे जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और इनके द्वारा ये जयानक के द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज विजय। तो चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखा गया था? तो इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। नेक्स्ट है फिर आपके क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा 30 का डी, मुक्ति जो है कविता संग्रह वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है ये मुक्ति ये कविता, और ये मिठेश निर्मोही जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर होगा आपके 31 का बी, मिठेश निर्मोही। नेक्स्ट है, भील जनजाति के पुरुष कमर के ऊपर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जामा, कछाबू, पोत्या या खोइतू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके खोइतू। 32 का जो आंसर है वो आपके डी होगा, खोइतू। कछाबू एक घाघरा होता है जो कि भील जनजाति में महिलाओं के द्वारा या बालिकाओं के द्वारा पहना जाता है, जो कि घुटनों तक आता है, उसको अपन कछाबू कहते हैं। इसका उत्तर होगा आपके खोइतू, जो कि पुरुष जो है वो कमर पर वस्त्र लपेटते उसको खोइतू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 33, चार हाथों वाला लोक देवता किसको कहा जाता है? चार हाथों वाले लोक देवता ये कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है, कल्लाजी राठौड़ को, जिनको शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक स्वार्थ के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? देखो ये आपने नाम सुना होगा हमीदुद्दीन का, तो हमीदुद्दीन जो है ये आपके दो सिलसिले में मिलते हैं, सुरावर्दी में मिलते हैं और चिश्ती में भी मिलते हैं, लेकिन ये काजी हैं जो कि नागौरी से हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका जो उत्तर है वो सुरावर्दी होगा। इसका आंसर क्या है? सुरावर्दी। और हमीदुद्दीन पूछे तो वो फिर आपके चिश्ती हो जाएगा, तो दोनों कन्फ्यूजन करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर करना है। तो इसका उत्तर होगा काजी जो हमीदुद्दीन है वो सुरावर्दी जो सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 35, ये मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? मलिक शाह की जो मस्जिद है वो जालौर किले में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके जालौर का किला, वहाँ पर मलिक शाह की मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके हैं 36 नंबर, यदि भारतीय मानक सेवा समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा का जो देशांतर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 97° 30' पूर्वी देशांतर, बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क कृषि की जाती है, तो भारत में शुष्क कृषि 35 से 75 जो सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। अगला प्रश्न है आपके 38 नंबर, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? तो भारत को जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया वो योजना आयोग के द्वारा इसको विभक्त किया गया। आपको पता होगा कि योजना आयोग जो है वो पहले था, इसकी जो स्थान पर है वो नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के और योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं।
तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे वो आप कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट है फिर आपके, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई, तो इसका उत्तर होगा आपके लूणकरण सर। ये लूणकरण सर बीकानेर जिले में पड़ता है और इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूँगफली उत्पादन के कारण। नेक्स्ट है फिर आपके, भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादक राज्य कौन सा है। सर्वाधिक रागी, रागी क्या है, एक मोटा अनाज है जिसको श्री अनाज की उपाधि दी गई है मोदी जी के द्वारा। और 2023 का जो वर्ष है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसमें मोटा अनाज के रूप में इसको, या श्री अनाज वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया था, जबकि 2024 का जो वर्ष है इसको ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो रागी मोटा अनाज के अंतर्गत आती है और ये सर्वाधिक रागी का जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। पोनम केरल, पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जूम असम, कुमारी मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मध्य प्रदेश वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इसको कुमारी नहीं कहते, इसको वेबर कहा जाता है या वेबर कहा जाता है। बाकी तीनों इसमें सही सुमेलित हैं। पोनम केरल का है, पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा का है, और जूम जो है वो आपके असम में की जाती हैं, राजस्थान में भी की जाती हैं, जिसको अपन वालरा कहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती हैं उसको वालरा कहा जाता है, वालरा कहते हैं। और ये मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, दजिया और चीमाता। दजिया और चीमाता के नाम से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वालरा स्थानांतरित कृषि का एक नाम है, जबकि वालर जो है वो एक लोक नृत्य का नाम है जो कि ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट, पाक स्टेट कहाँ स्थित है। तो पाक स्टेट आपको सभी पता है, पाक जल डमरू मध्य की बात हो रही है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य दो चीज़ें आती हैं, एक तो पाक जल संधि और एक आपका मन्नार की खाड़ी, ये दोनों ही आपके भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आपके 43 नंबर, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। राजपीपला, महादेव, भारनेर और मेकाल, इनमें से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो कि सतपुड़ा श्रेणी में नहीं आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारनेर। अगला क्वेश्चन आपका यह है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत की किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत का ऐसा राज्य है जिसमें कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत है जो सर्वाधिक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके मिजोरम। मिजोरम में जो इसका वन प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अच्छा, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, एक जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, कमेंट करके बताना। इसके अलावा राजस्थान की जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है जो कि रावतपाटा के पास में चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इसके अलावा जो मैनाल जलप्रपात हैं, मैनाल ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित हैं। और फिर इसके बाद में आता है भीमलत जलप्रपात। तो भीमलत जो जलप्रपात हैं वो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी जिले में आता है। एक जलप्रपात है ब्राह्मणी नदी पर जो कि पाड़ाजर, ये पाड़ाजर जो जलप्रपात है ये पर्यटन घोषित किया गया है इसको, ये नया है, ये आपके परीक्षा में आने लायक है। तो ये जो पर्यटक स्थल है जिसको घोषित किया गया है ये पड़ता है अपने जो चित्तौड़गढ़ में ही, ये एक स्थान पड़ता है भैंसरोड़गढ़, वहाँ पर स्थित है। तो ये भैंसरोड़गढ़ में आता है, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ये, तो वहाँ पर पड़ता है पाड़ाजर जलप्रपात, जिसको भी हाल ही में जिस राज्य सरकार के द्वारा इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है पाड़ाजर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि इनमें से कौन राजस्थान के किन जिलों के समूह में कच्छारी मृदा पाई जाती है। तो कच्छारी मृदा किन में पाई जाती है वो बताना है। कच्छारी मृदा जो पाई जाती है वो भरतपुर और धौलपुर जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या रहा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम रहा था, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम रहा था। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना रहा, इसमें आपको बताना है एसटी का। तो एसटी का प्रतिशत आपको इसमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा। तो ये हो जाएगा आपके एसटी का पूछा है तो इसमें 13.5 होगा और एससी का पूछे तो फिर अपन 16.9 करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया। तो इसरदा बांध जो परियोजना है वो टोंक सवाई माधोपुर ज़िले में निर्मित किया जा रहा है, और इसरदा बांध पूछे तो वो सवाई माधोपुर ज़िले में आता है जो कि इसरदा गांव में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। उड़िया का पठार, माउंट आबू, बाकर, पूर्वी सिरोही, लसड़िया का पठार, राजसमंद, बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोविंदा। तो इसमें जो उड़िया का पठार है वो आपके माउंट आबू में नहीं है। एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। उड़िया का पठार ये माउंट आबू में ही है। बाकर पूर्वी सिरोही में जो कटा फटा भाग इसको बाकर कहते हैं, जो पहाड़ियाँ हैं वो सिरोही की। और लसड़िया जो है आपके राजसमंद में नहीं है, लसड़िया जयसमंद के पास में है और ये उदयपुर ज़िले में आता है, वर्तमान में ये सलूम्बर ज़िले में चला गया है। तो ये जो लसड़िया का पठार है वो जयसमंद जिले के जो आसपास में स्थित है और ये वर्तमान में पहले उदयपुर ज़िले में आता था, अभी वर्तमान में सलूम्बर ज़िले में आता है। बाकी बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है, ये उदयपुर और राजसमंद ज़िले के बीच में पड़ता है, दो ज़िलों के बीच में है बोराट का पठार। जबकि एक आता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से लगा करके जो भीलवाड़ा का बिजोलिया है वहाँ के बीच का जो पठारी भाग है उसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। यहीं पर जो बिजोलिया में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की जो स्थापना की गई थी हरियाली अमावस्या के दिन, और इसी का जो अध्यक्ष है वो मन्ना पटेल को बनाया गया था किसान आंदोलन के टाइम में। नेक्स्ट है राजस्थान में किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। इनमें से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हैं पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ये वो जिले हैं जहाँ पर इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। रॉक फास्फेट, जामर कोटा सही है ये तो, मैग्नीज कालाखूटा, तांबड़ा कालागुमान, लोएस्ट मोरिजा डाबला। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो तांबड़ा है वो कालागुमान में नहीं है, ये तिखी और कालागुमान ये आपके राजसमंद में पड़ता है, तो ये तांबड़ा जो आपका कालागुमान ये सही नहीं है। बाकी मैग्नीज कालाखूटा बांसवाड़ा में ये सही है, और जामर कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है रॉक फॉस्फेट के लिए, और सर्वाधिक उपलब्ध खनिज भी यही है जामर कोटड़ा। लोएस्ट का मोरिजा डाबला और मोरिजा बानोला ये आपके लोएस्ट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये बारा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसको फर्स्ट सी के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट सी जो है वो आपके इसको सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और भारत राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं ये 10 हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश में इसको बांटा गया है ICER के द्वारा इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है बीथडी पवन ऊर्जा, ये बीथडी पवन ऊर्जा इंपोर्टेंट है, ये बीथडी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई। तो इसका आंसर होगा आपके जोधपुर ज़िले में, बीथडी जो है वो जोधपुर में पड़ती है और बीथडी पवन ऊर्जा जोधपुर में स्थित है। एशिया का जो सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो बड़ला जोधपुर में स्थित है, जो कि 2245 मेगावाट का है, चार चरणों में इसको बनाया गया। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला जिनकी जनसंख्या घनत्व 100 से प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कम पाया जाता है, यानी कि जिनका जनघनत्व डेंसिटी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वो 100 से कम पाई जाती है, वो ज़िले कौन कौन से हैं। तो वो ज़िले अपना एक तो जैसलमेर है, जैसलमेर का सबसे कम है 17, सबसे कम जैसलमेर का ही है। जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में आता है बीकानेर। तो ये 56 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये वो तीन ज़िले हैं जिनका घनत्व 100 से कम है। जबकि 500 से अधिक के आपके दो ज़िले आते हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज़्यादा हो, एक आपका जयपुर सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में आता है भरतपुर। जयपुर का जनघनत्व कितना है कमेंट करके बताना,
और राजस्थान का जनगणना तो 2011 के अनुसार कितना है वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये 18 फरवरी 2010 की बात है, उस समय ये घोषित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिणी राजस्थान में इसमें सबसे ज़्यादा जो मक्का का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर करेंगे अपन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व में। अब नाम सुना होगा माही, माही कंचन, माही धवल, ये सभी जो मक्का की किस्में हैं जो कि बांसवाड़ा के जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा ये विकसित की गई किस्में हैं। अगला प्रश्न आपके 59 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है वो आपको बताना है। लिंगानुपात में भी वो ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके धौलपुर। धौलपुर का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा किसका है? पालिका है। नेक्स्ट है, खसघास मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती हैं? तो खसघास जो है भरतपुर और टोंक वन विभाग क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसका उत्तर होगा भरतपुर, टोंक, ये सवाई माधोपुर जिले में भी पाई जाती हैं। एक सुगंधित घास है ये, तो ये आपकी जो भरतपुर और टोंक जिले में पाई जाती हैं, इसके अलावा भरतपुर जिले में भी पाई जाती हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्ति की कुल संख्या की कितनी होगी? तो इसका उत्तर होगा आपके 3/4, मतदान के लिए 3/4, जबकि अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 1/3 होगा। मतदान अगर 3/4 मतदान होगा तो ही उसको बर्खास्त किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है, जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसका जो गणपूर्ति है वो कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन थे? सही आंसर इसका, जो संग्राम सिंह थे वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, जबकि पूनम चंद विश्नोई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ये विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। तीनों ही पदों पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति हैं पूनम चंद विश्नोई, जबकि नारायण सिंह मसूदा ये भी आपके प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। संग्राम सिंह जो है वो आपके राजस्थान की पहली विधानसभा जो हुई थी उसके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। ये प्रोटेम स्पीकर अस्थाई अध्यक्ष होता है जब तक कि वहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष है उस विधानसभा का निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक ही जो उसको बनाया जाता है, रखा जाता है, तब तक वो अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करता है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो चुने हुए जो MLA होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। अभी जो राजस्थान की विधानसभा है उस विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो किसको बनाया गया था, कमेंट करके बताना। अभी वर्तमान जो विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, और वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। तो प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, राजस्थान की विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया था वो आप कमेंट करके बताना। 63 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर करते हैं और जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 64 नंबर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो आपके होगा 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी तक जो राजस्थान में जो 6 वित्त आयोग बन चुके हैं, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे KK गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है। नेक्स्ट है, अच्छा ये हीरालाल जो देवपुरा है वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये SK जो गौस है वो RPSC के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था, प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो SK गौस बने थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1953 में, 1953 में ये नियोजन विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके 67 नंबर, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखो, टीकाराम पालीवाल जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसे
मुख्यमंत्री है जो कि उप मुख्यमंत्री भी बने। बिल्कुल सही बात है ये, राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो टीकाराम पालीवाल, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन थे, वो टीकाराम पालीवाल ही थे। तो टीकाराम पालीवाल ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी के टेन्योर में बने थे, ये कार्यकाल में, हरिशंकर भाभड़ा। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसका उत्तर होगा आपके दोनों कथन सही हैं, एक और दो दोनों सही है। अच्छा, राजस्थान की जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, और अभी वर्तमान में जो राजस्थान में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो कौन कौन है, दोनों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना। 67 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है, तो इसका जो उत्तर है वो, अच्छा, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है, प्रथम के बाद में जो द्वितीय करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा आपके 60 दिन में के बाद जो उसमें दूसरी बार अपील की जा सकती हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, किसके होते हैं, तो राज्य के जितने भी राज्य जो विश्वविद्यालय हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पदेन सभा कुलाधिपति होते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में के जो राज्यपाल वो चेंज हो चुके हैं, इनसे पहले जो राज्यपाल थे अभी वर्तमान से पहले वो थे कलराज मिश्र, अब आपके जो नए राज्यपाल आ चुके हैं, तो अभी जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम आप कमेंट करके बताना, और उनका संबंध भारत के किस राज्य से है, जो वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, तो कमेंट करके बताना ये। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। देखो, अब तक जो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, सबसे पहले ये मोहनलाल सुगाड़िया के समय में लगा था, फिर एक बार जो हरिदेव जोशी के समय में, 2 बार हरिदेव जोशी के समय में, और भैरव सिंह शेखावत के समय में भी लगा था, एक बार हरिदेव जोशी के समय में और 2 बार जो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगा था, तो इसका उत्तर होगा आपके सर्वाधिक बार 2 बार जो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगा था, एक बार इनको अल्पमत के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और मोहनलाल सुखाड़िया जो है ये सबसे लंबे समय तक CM के रूप में इन्होंने कार्य किया था, लगभग 17 वर्षों तक, ये इनका संबंध नाथद्वारा से है, इनका जो जन्मस्थली है वो, इनका जो स्थान है वो नाथद्वारा पड़ता है। हरिदेव जोशी ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार, मोहनलाल सुखाड़िया भी 3 बार, जबकि शिवचरण माथुर ये जो मांडलगढ़ के थे, ये शिवचरण माथुर ये भी राजस्थान के CM रह चुके हैं। अगला प्रश्न बनता है, निपुण भारत किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो निपुण भारत जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट है फिर आपके 72 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के जो नोट होता है इसके ऊपर हस्ताक्षर जो किए जाते हैं वो वित्त सचिव के, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उनके होते हैं, तो इसका उत्तर होगा सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री के नहीं होते, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो असंगठित कामगारों को एक जो राष्ट्रीय डेटाबेस है वो बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, कौन हैं, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एन के सिंह, जबकि निर्मला सीतारमण जो है वो अभी वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केसर मिशन किस उप योजना के अंतर्गत या किस उप योजना के रूप में लॉन्च की गई, तो राष्ट्रीय केसर मिशन जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। 76 क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये M विश्वेश्वरैया है इनके द्वारा ये लिखी गई है, इन्हीं के जन्मदिवस को अपन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हरित क्रांति से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा है जो भारत में हरित क्रांति से संबंधित रहा है, तो उच्च उत्पादकता किस्मों के जो बीज हैं वो आपके हरित क्रांति से संबंधित हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी, 2010 में इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण परिमाणात्मक विधि है,
करेक्ट आंसर होगा इसमें बैंक की दर, ये आपके परिमाणात्मक है, ये आपके परिमाणात्मक हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन है आपके, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा आपके 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है, तो वर्तमान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में जो राजस्थान में अपनाई जा रही प्रणाली है, इसका जो नाम है वो आपके जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा पर रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई, तो ये थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये पूर्ववर्ती जो सरकार है गहलोत सरकार, उनके द्वारा ये शहरी क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा चल रही, वैसे ये जो रोजगार गारंटी के रूप में इसको शामिल शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड जो लाइमस्टोन इसके विशाल भंडार मिले हैं, तो ये मिले थे जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है, सोनू क्षेत्र में ये आपको इसके भंडार मिले हैं। जबकि भविष्य में जो सबसे ज़्यादा जो सीमेंट के भंडार हैं, सीमेंट की जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो लगने के चांस है जैसलमेर ज़िले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीमेंट ग्रेड का जो लाइमस्टोन है वो जैसलमेर ज़िले में बना है। अभी जो सीमेंट ज़िला है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीमेंट की फैक्ट्री हैं वो लाइमस्टोन वगैरह है, कच्चा माल आपको सबसे ज़्यादा यहीं पर उपलब्ध मिलता है। चित्तौड़गढ़ ज़िले में सीमेंट की कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दें। 84 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अजरक प्रिंट, देखो इसमें अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर और बालोतरा दोनों दे रखे हैं, तो देख लेते हैं इसको। 84 में 3 पहले में 4, इनकी अजरक प्रिंट जो है आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जबकि पावरलूम कपड़ों पर छपाई जो है वो बालोतरा की प्रसिद्ध है, मोठड़ा जो है मोठड़ा ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, और मसूरिया जो साड़ी है वो कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है, मसूरिया साड़ी ये कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा लोरिया। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है, सावन भादो ये कोटा की है, सावन भादो कोटा की सही है, सोम कागदर उदयपुर की है, जबकि सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है सही है ये, और पर्वन लिफ्ट जो है आपके जयपुर की नहीं है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, परवन लिफ्ट जयपुर ये असम्मिलित है। अगला प्रश्न आपका ये, बोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है, ये किससे संबंधित हैं, तो ये बोर कार्यक्रम जो है वो भिक्षुकों के भिखारियों के पुनर्वास से संबंधित हैं, इसका आंसर होगा आपके बी ऑप्शन। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान में भारत का कौन सा स्थान है, तो मूंगफली के उत्पादन में अपन जो है राजस्थान गुजरात के बाद में सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट किसका है तो गुजरात का है, सेकंड कौन है तो अपना राजस्थान है, तो इसका उत्तर करेंगे अपन राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो मूंगफली है वो गुजरात में होती है, और गुजरात का जो राजकोट है वो अपने राजस्थान का जो लूणकरण है इनकी तुलना की जाती है मूंगफली उत्पादन के कारण ही, तो राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर जो बीकानेर में स्थित है उसको कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के कारण। नेक्स्ट है, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का वित्तीय जो केंद्र राज्य का जो हिस्सा है वो कितना है, करेक्ट आंसर होगा इसमें 75-25 का हिस्सा है वो DPAP वित्तीय केंद्र और राज्य का हिस्सा है, ये 1999 से है, बाकी पहले जो 100% जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये शुरू की गई थी। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये क्लिक निक्सन कंपनी SCC कंपनी ये जो कि लाखेरी बूंदी में पड़ता है वहाँ पर सबसे पहला जो कारखाना है वो शुरू किया गया था। गोटन में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, जैके वाइट सीमेंट का, और ब्यावर में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल जो स्थापित की गई थी, और डबोक जो है वो उदयपुर में स्थित है, महाराणा प्रताप इंटर जो हवाई अड्डा है वो आपके डबोक में ही स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी जिला नहीं है, प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा पाली लाभार्थी नहीं है, बाकी सीकर जोधपुर और नागौर इनसे इंदिरा गांधी नहर से परियोजना से लाभार्थी हैं। खबरों में रहा जो परख है, परख क्या है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, परख एक शिक्षा से संबंधित होगा। नेक्स्ट है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है,
तो 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से हैं और राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बनने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति कौन हुए? भैरव सिंह शेखावत, जो कि बाबोसा के नाम से जाने जाते हैं। अंत्योदय योजना के जनक के रूप में भी इनको इनका कार्य किया था। नेक्स्ट है फिर आपके अंत्योदय योजना जो शुरू की गई थी राजस्थान में, वो बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत के द्वारा ही शुरू की गई थी। लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं और वर्तमान संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है वो आपको बताना है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसमें ये डेट गलत दी गई है, बाकी 14वें उपराष्ट्रपति तो हैं, व्यक्ति भी सही है, लेकिन ये डेट ये गलत है। इस कारण ये पहला गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस जो है वो वर्तमान में UNO के जो क्या हैं, महासचिव हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान में चलाया गया जो अभियान है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन सर्द हवा। KK बिरला फाउंडेशन का जो 32वां बिहारी पुरस्कार है, जो डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किताब कृति का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर होगा आपके पंच रंग चोला पहर सखीरी, ये इनके द्वारा जो लिखा गया कृति है, जिनके ऊपर जो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? तो इसका जो उत्तर है वो होगा आपके 97 का जो करेक्ट आंसर है वो हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये 7 जनवरी को पेपर हुआ था, ये तो ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। तो 98 का जो करेक्ट आंसर वो होगा नागपुर, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर है वो होगा गाजीखा बरना। गाजीखा फरना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन भी आपके करंट का है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो उसका उत्तर होगा आपके इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक जो है वो फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल की विजेता हैं। नेक्स्ट है, अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, इनमें से कौन सा समूह ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन है? ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें होगा JPG, GIF और BMP, ये तीनों ही जो है वो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन के रूप में जाने जाते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 102, बारकोड OMR, MICR, QR कोड OCR, इनमें इनको आपस में मिलान करना है। तो ये 102 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो पहले में आपके बारकोड का हो जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल जो होते हैं वो बारकोड में संग्रहित होते हैं, और इसके बाद में फिर आपके OMR सीट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट, OMR जो है आपके ऑनलाइन से संबंधित हैं। ये OMR क्या होगा, ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनके लिए संबंधित हैं, सॉरी OMR जो है आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रकार की परीक्षाएं होती है उसके लिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। अभी जो पेपर्स होते हैं सभी OMR बेस पे होते हैं, तो वो हमारे इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है MICR, तो MICR जो है वो बैंक का जो चेक होता है उसमें लगा होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्ट रीडर MICR। और QR कोड जो है, ये बार कोड है, ये QR कोड है, तो QR कोड जो होता है छपे हुए पेज का एडिटेबल जो टेक्स्ट है। QR कोड जो है वो आपके ऑनलाइन पेमेंट में काम आता है, जैसे UPI, भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, इन सभी में QR कोड स्कैनर पे लगे होते हैं, वो आपके ऑनलाइन पेमेंट में काम आते हैं। OCR जो है वो पेज पर छपे हुए एडिटेबल जो टेक्स्ट है उसका रूपांतरण होता है। तो इसमें 5वें का कर लेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन पर जाने के लिए कौन किस की स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट और F5, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो अपने वो जो अंतिम परिवर्तन स्थान है वहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट है, MS Excel कौन सा सही फॉर्मूला है? तो MS Excel के अंतर्गत कौन सा फॉर्मूला सही है? तो बराबर पावर 2 3, ये इसका सही आंसर
होगा। NFTS का मतलब क्या है? NTFS का आपको इसमें मतलब बताना है। NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है। लाईफाई के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। लाईफाई डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, जो कि सही बात है। यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, और यह भी सही है। लाईफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, यह गलत हो जाएगा। लाईफाई जो है वाईफाई से ओवर स्पीड में होती है। लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, तो ये वाला भी आपके लिए गलत होगा। अच्छा, लाईफाई में कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें एक तो ये पहला गलत है, और ये तीसरा गलत है, दूसरा और ये चौथा, ये सही है, ये बिल्कुल दोनों सही है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संबंध में सही कथन का चयन करना है, तो जैव विविधता के संबंध में सही कथन है, जैव विविधता भूमध्य सागर की ओर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, अल्पविराम के आकार के जीवाणु कौन से होते हैं, तो ये विब्रियो जो है, विब्रियो कोलेरी, ये आपके विब्रियो कोलेरी अल्पविराम आकार के जीवाणु होते हैं। 108 का सही उत्तर हो जाएगा आपके सी। दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का 18 है तो दूसरी शाखा का आपको ज्ञात करना है, समांतर क्रम है, तो फिर आपको इसका सूत्र लगा के ज्ञात करना है। आंसर होगा इसका 36 ओम। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। दिए गए कॉलम में इनको मिलान करना है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर ये विरंजक में काम आता है। फिर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा ये एंटा एसिड में काम आता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एंटा एसिड के रूप में इसको काम में लेते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन में काम आता है। वाशिंग सोडा जो है वो कांच बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्न पर विचार कीजिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स, इनमें से कौन सा समतापी ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो जो केवल जो हेलोन्स हैं वो इसमें उत्तरदायी होती हैं। हेलोन्स हैं या CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के जो नष्ट ह्रास में उत्तरदायी होती हैं। OTEC, इसका आपको अर्थ बताना है, तो OTEC का जो अर्थ है, OTEC का अर्थ है आपके ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। नेक्स्ट है, बच्चों में बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत में, शुरुआत के साथ अंततः सिकुड़ जाता है, वसा के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ये कौन सी ग्रंथि है, तो ये ग्रंथि है आपके थाइमस ग्रंथि, जो कि बच्चों में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि जो कि शुरावस्था में लगभग जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसरो के बारे में सही कथन कौन सा है, तो इसरो जो है वो पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, और उसमें 1975 में USA के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो पहला जो भारतीय उपग्रह है वो USA के मदद से नहीं किया गया था, वो रूस के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। एंटिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, जबकि इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके बी होगा। इसमें ये दूसरा और तीसरा दोनों सही है, ये पहला वाला गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपके देखो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको सीधा ही इसमें उत्तर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सोल्व बाद में अलग से वीडियो में कर लेंगे। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट देता है, कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है, तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 1440 रुपये। नेक्स्ट है, एक मिनट वापस चेक करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये इसमें 1440 ही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की जो औसत आयु है वो 0.5 वर्ष कम हो जाती है, प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, इसका उत्तर है आपके 38 वर्ष। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 25 रुपये, तो राशि आपको ज्ञात करनी है, तो उसका उत्तर होगा आपके 10,000। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आपको अलग वीडियो में अपन सॉल्व करके आप पे बता देंगे। नेक्स्ट है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, इनमें से एक ने कुल मत जो डाले गए थे उनका 65% प्राप्त किया और 420 मतों से वो विजयी हुआ, यदि डाले गए मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या आपको बतानी है, तो इसका उत्तर होगा आपके 1400 मत। ए की आय बी की आय का 3/5 गुना है, सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की
आय ए के आय से अनुपात आपको ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर होगा 2:1। इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, इसमें आपको प्रश्न आकृति का इसमें आंसर बताना है कि दर्पण में इसका जो फोटो वो आपको कैसा दिखेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सी वाला। 122 नंबर है, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो इनमें कथन और इसका निष्कर्ष, इसमें से आपको कौन किसका अनुसरण कर रहा है वो बताना है। 122 का बी सही है, केवल निष्कर्ष बी है, निष्कर्ष फर्स्ट है वो अनुसरण करता है, सेकंड वाला अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आरेख पेड़ को, सागवान को और सेलामेंडर को बीच में प्रतिनिधित्व दर्शाता है। तो ये पेड़, सागवान पेड़ ही है जबकि सेलामेंडर एक जीव है, तो ये अलग हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पेड़ और उसके अंदर का सागवान और ये सेलामेंडर अलग जीव है, तो ये इसका ऑप्शन आपके बी में हो जाएगा। ये रीजनिंग की क्वेश्चन है, विकल्पों में आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प चुनना है, तो ये दे रखा है, इसका जो सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। 124 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा इसमें आपके फर्स्ट वाला WUSQ, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी से संबंधित है, ये आपके सामने है ये, और सांकेतिक भाषा में ये दे रखा है ट्रिपल, इसको ये लिखा जाता है, तो विक्ट्री को क्या लिखेंगे, तो 126 का जो सही उत्तर है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका पोती होगी। 21 पुरुषों की पंक्ति में मनीष को दाईं से और चार सरकाया जाता है स्थान सरकाया जाते हैं, वही बाईं और छोर से 12वें स्थान पर हैं, पंक्ति के दाईं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या है वो आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 14। नेक्स्ट है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, 14, 39, 84, 155, 260। सही आंसर होगा इसका 260। आकृति में आपको कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो त्रिभुजों की इसमें आपको संख्या बतानी है। 130 का जो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट ऑप्शन होगा 16। फिर आपके हिंदी के क्वेश्चन है, अयादि संधि स्वर संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का आपको चयन करना है, तो अयादि संधि के हिसाब से इसका जो गलत जो विकल्प है वो आपको चयन करना है। जैसे पवित्र का पौ प्लस इत्र होता है, वैसे लवित्र का लो प्लस इत्र हो जाएगा, ये सही है, सारे अक्षर बी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, विदे प्लस अक विधायक का ये गलत है, ये विदय होगा, दो मात्राएं आएगी, जैसे विनय है वैसे ही विदय होगा। व्यंजन वर्णों के कौन सा सुमेलित नहीं है, श श ये संघर्षहीन, य व अर्धस्वर, ग ग स्पर्श व्यंजन, च छ स्पर्श संघर्षी, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपके संघर्षहीन वाला ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए प्रयुक्त जो सार्थक शब्द हैं वो आपको बताना है, तो 133 का करेक्ट आंसर होगा भरत वाक्य। कौन सा विकल्प सभी शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग हुआ है, उपसर्ग भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय भी प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपके विचारणीय, पारिवारिक और ओप्टिक, ये तीनों में आपके उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये शुद्ध है। नेक्स्ट है, एलोकेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना आपको कि एलोकेशन का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बी, नियतन। तत्पुरुष का प्रयोग किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, सेवानिवृत्ति, ख्याति प्राप्त, अंधविश्वास और शपथ पत्र, तो 137 में जो आपका सही उत्तर है वो बी होगा, अंधविश्वास, इसमें आपके तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। विलोम के अनुसार आपको संगत बताने की कौन सा सही है, तो विलोम के अनुसार इसमें अधम का उत्तम सही है, अज्ञ का विज्ञ सही है, अग्र का पश्च सही है, बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं, तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। असंगत विकल्प का चयन करना है, उसने सेब खाया संक्रामक क्रिया, पुलिस ने चोर को पकड़वाया प्रेरणार्थक क्रिया, माताजी बाग में जाते हैं रंजक क्रिया, और लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं आक्रामक क्रिया। इसका जो सही उत्तर है आपके सी हो जाएगा, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं रंजक क्रिया, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, फिर आपके 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, निंदे, चिंतन, दानवीय, मानवीय, इनमें से कौन सा संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन, चिंतन जो है आपके चिंता है जो कि भाववाचक ये चिंतन है जो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है चिंतन।
फिर बाकी के जो आगे 10 क्वेश्चन है वो इसमें आपके पैसेज पर आधारित आपके इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये 10 के 10 इंग्लिश के क्वेश्चन है। पूरी आपके जो 185 प्रश्न इन सभी के आपके टिक लगा करके इसके जो आंसर किए हैं वो अपने एंड्रॉयड ऐप पर आपको मिल जाएगी। ये था आपका पहला पेपर जो कि 7 जनवरी को हुआ था, फर्स्ट बारे में, ये 7 जनवरी को उसी सेकंड बारे में हुआ था, ये 131B वाला पेपर। फिर आपके 8 जनवरी के 2 पेपर, चारों ही पेपर आपको यहाँ पे पूरे सॉल्व करवा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेस्ट देने के लिए एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी प्रकार से आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।